दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी जो जानकारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए है। क्या आपको पता है स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मतदान के लिए घर घर चलाएंगी जागरूकता अभियान। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से श्रीराम ग्राम संगठन और तमाम इस तरीके से ऐसे संगठन हैं जो मतदान में सहभागिता और मतदान प्रतिशतता बढ़ाने का संदेश दे रही हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ गाँव गाँव घर घर जाकर इलेक्शन 2024 के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। अब अभाव की कड़ी धूप नहीं, स्वावलंबन की छाया। 8 करोड़ से ज़्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों ने में ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 20 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब गांव-गांव घर-घर जाकर चुनाव अभियान के कैंपेन में शामिल हो रही हैं। मतदान, मतदान हम सभी का अधिकार है। सभी लोगों को मतदान करना चाहिए ताकि आप बनने वाली सरकार में अपना एक अहम हिस्सा अदा कर सकें। अगर मैं आपको बताऊं मतदान को लेके, तो मतदान को लेके कई जगहों पर तमाम तरीके की चीज़ें का और कंपेनिंग की जाती हैं, लेकिन अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ किस तरीके से इस काम में भाग ले रही हैं और आने वाले समय में चुनाव 2024 को लेकर बहुत कुछ काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की अगर बात करें तो मतदान करना सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जिससे महिलाएं चुनाव में भाग ले सकती हैं। 2019 के चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की तुलना में कम थी। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी महिलाएँ पंजीकृत हों और मतदान करें, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। उम्मीदवारों और मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करना, महिलाओं को विभिन्न उम्मीदवारों और उनके चुनावी वादों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वे उन मुद्दों पर भी ध्यान दे सकती हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक अवसर। अन्य महिलाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए वरदान साबित होता है। महिलाएं अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय में अन्य महिलाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। वे मतदाता जागरूकता अभियानों में भी भाग ले सकती हैं और मतदान पंजीकरण ड्राइव का आयोजन कर सकती हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो किस तरीके से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तमाम ऐसे काम कर रही हैं जिस काम को भारत निर्वाचन आयोग काफ़ी सराह रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एक संगठन जब बन जाती हैं, तमाम उत्तरदायित्व का सामना करना पड़ता है, जिस उत्तरदायित्व को लेकर सरकार आपको समय समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। अगर आप एक स्वयं सहायता समूह की महिला हैं तो आप अपने नज़दीकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जाएंगी। वहाँ पर अगर कोई कैंपेन सरकार के द्वारा चलाई जा रही है या चुनाव आयोग के द्वारा चलाई जा रही है, उसी योजना का हिस्सेदारी लेकर आप बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं। अगर वहाँ पर मानदेय का कोई प्रावधान है तो आपको यकीनन भत्ता या मानदेय के तौर पर पैसे भी दिए जा सकते हैं। निवेदन करता हूं, अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।